हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वांडा विजन टीवी सीरीज के बारे में। सो, बहुत ही लंबे वेट के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 4 आखिरकार चालू हो रहा है विद वांडा विजन। इस वीडियो में मैं आपको वांडा विजन के रिव्यूज के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा वांडा विजन का रिलीज डेट और रिलीज टाइम के बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो, अगर आपको वांडा विजन से रिलेटेड हर एक जानकारी चाहिए तब आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं मूवीज और टीवी शो से रिलेटेड ऐसे ही रिव्यूज और एंडिंग एक्सप्लेन लाता रहता हूँ। That being said, let's get started. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वांडा विजन आपको कब और कहां पे देखने को मिलेगी, इसके अलावा किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। सो, वांडा विजन हिंदी में डब नहीं हुई है, इसलिए वांडा विजन अभी तो आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये 15 जनवरी 1:30 पे दोपहर में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देखने को मिल जाएगी। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का प्रीमियम अकाउंट है तब प्रीमियम अकाउंट लेने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार को 1500 रुपीज के अराउंड देना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई कि आप इस सीरीज को कब देख सकते हो, कहां देख सकते हो और किस लैंग्वेज में देख सकते हो। अब चलिए बात करते हैं कि ये सीरीज आखिरकार कैसी है। सो, अगर रिव्यूज की माने तो ये सीरीज काफी गूफी और काफी फनी है। ये सीरीज अमेरिकन सिटकॉम स्टाइल की है। अगर आपको सिटकॉम नहीं पता तो मैं बता दूं कि अमेरिकन सिटकॉम्स एक शॉर्ट फॉर्मेट के कॉमेडी शोज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स, दी ऑफिस, पार्क्स एंड रिक्रिएशन, हाउ आई मेट योर मदर, बिग बैंग थ्योरी, ऐसे शोज। पर वांडा विजन पुराने अमेरिकन टीवी शोज के ऊपर बेस्ड है, तो जिन्होंने भी पुराने अमेरिकन सिटकॉम्स देखे होंगे उनको वांडा विजन देखते हुए उनकी फील आएगी। इसके अलावा वांडा और विजन करेक्टर को इस टीवी सीरीज ने बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया है। इसके अलावा बहुत सारे रिव्यूज के माने सो ये टीवी सीरीज शायद एमसीयू की सबसे फनी टीवी सीरीज या फिर मूवीज में से एक है। इस टीवी सीरीज को थॉर रैग्नारॉक से भी ज्यादा फनी बता रहे हैं कुछ लोग। इसके अलावा एलिजाबेथ ऑल्सन और पॉल बैटनी ने अपने रिस्पेक्टिव रोल्स यानी कि वांडा और विजन के रोल में 4 चांद लगा दिए हैं और शायद अपने करियर्स की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस सीरीज में। इसके अलावा लोगों को कैथरीन हान का नोजी नेबर का करेक्टर, इसके अलावा मोनिका रैम्बो का करेक्टर भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये टीवी सीरीज वीकली बेसिस पे रिलीज होने वाली है, यानी कि आपको हर वीक एक एपिसोड देखने को मिलेगा। 15 तारीख को आपको शुरुआत में इसके 2 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आपने इससे पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मैंडलोरियन देखा था तो आपको उसके जैसी फील आने वाली है इस टीवी सीरीज को भी देखने में। इसके अलावा इस टीवी सीरीज के टोटल 9 एपिसोड होने वाले हैं और इसका लास्ट एपिसोड 5 मार्च 2021 को रिलीज होगा। इसके अलावा अगर इस टीवी सीरीज की स्टोरी के बारे में बात करें सो वांडा और विजन एक ऑगमेंटेड रियलिटी में इस टीवी सीरीज में रह रहे हैं, जो कि हम लोगों को पहले से पता है। पर इस टीवी सीरीज को देखते समय आपको इस शो के क्रिएटर्स ये बिलीव करने पे मजबूर कर देंगे कि आप एक रियल दुनिया में रह रहे हो। इन अ नटशेल, ये टीवी सीरीज काफी गूफी और काफी फनी है। इसके अलावा ये टीवी सीरीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 को बहुत ही अच्छे तरीके से चालू करती है। और आपको पता होगा कि वांडा विजन स्पाइडरमैन 3 और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जुड़ा हुआ है। तो ये टीवी सीरीज मार्वल फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टीवी सीरीज भी है। सो, इस वीडियो के लिए इतना ही। सो, अगर आपको वांडा विजन से रिलेटेड एपिसोड वाइज एक्सप्लेन वीडियोस चाहिए, इसके अलावा वांडा विजन का एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोस चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं वांडा विजन के ऊपर काफी सारे वीडियोस लाने वाला हूं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।